hello students this video is for grade ukg let's start first section english first question of english write the article a or an okay what is article in this question it is written write the article a or an इस क्वेश्चन में रिटर्न है हमें क्या लिखना है ए और एन आर्टिकल लिखना है व्हाट इज आर्टिकल आर्टिकल क्या है सो देर आर थ्री आर्टिकल्स ए एन द ए एन द थ्री आर्टिकल्स ओके वी हैव थ्री आर्टिकल्स ए एन द ए वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट ओके बिफोर कॉन्सोनेंट एंड कॉमन वर्ड कॉमन वर्ड कॉमन और कॉम और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम ए का यूज करते हैं लाइक like, की के ई वाई की तो के क्या है के इज अ कॉन्सोनेंट लेटर के इज अ कॉन्सोनेंट लेटर दैट इज वाई वी विल यूज ए ओके ए एंड वी यूज एन वेयर वी वॉवल लेटर और वॉवल प्रनाउंशियेशन हम एन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर जो वर्ड है वो वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो ओके वेन द वर्ड इनिशियल लेटर इज वॉवल जब हमारे वर्ड का इनिशियल लेटर मीन्स फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर मीन्स फर्स्ट लेटर वॉवल होता है तब हम उसके पहले एन का यूज करते हैं ए एन एन ओके और द हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट अ प्रॉपर थिंग अ पर्टिकुलर थिंग ओके लाइक सन मून स्टार्स ओके सैटेलाइट ताजमहल यूनिवर्सिटी सो व्हाट इज दिस आर अ पर्टिकुलर थिंग्स ये सब कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो सिर्फ एक ही हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज लाइक आई हैव सेड बीएचयू यूनिवर्सिटी बी एच यू यूनिवर्सिटी ओके वट इज इट इट इज बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी ओके तो ये क्या है ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नेम है बी एच यू ओके सो इन फ्रंट ऑफ दैट वी विल यूज द बट इन द क्वेश्चन इट इज ओनली गिवेन ए और एन ओके तो क्वेश्चन में सिर्फ ए और एन का दिया है जो वर्ड कॉन्सोनेट से स्टार्ट होते हैं हम उनके पहले ए लगाएंगे ए और जो वर्ड वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं हम उनके पहले एन लगाएंगे ए एन एन सो वट आर वॉवल लेटर ए

like b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z okay so what are these these letters are consonant okay all letters x एक्सक्लूडिंग मीन्स अलग करके अल्फाबेट में उन्हें हम कॉन्सनेंट कहते हैं ओके नाउ सी द्वेश्चन सर्कल द करेक्ट आर्टिकल यू कैन सी द पिक्चर हमें पिक्चर दिख रहा है पिक्चर को देख के हमें उनके लिए करेक्ट आर्टिकल चूज करना है फ्लावर फर्स्ट इज फ्लावर तो फ्लावर किससे स्टार्ट होता है एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर इट स्टार्ट विथ एफ वॉट इज एफ एफ इज अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवल एफ इज कॉन्सोनेंट सो वी विल सर्कल ए वी विल सर्कल ए Now, see the second question. Ladybird. It is a ladybird. Ladybird starts with L. L A D Y. Lady B I R D. Bird. Ladybird. It starts with L. L is a consonant. So, before consonant, we use A. We will circle article A. Okay? Like this, uh, we have to circle. See, umbrella. Umbrella starts with U. U M B R E double L A. Umbrella. U is a vowel letter. It is a vowel letter. So, in front of vowel letter A U A E I O U. Okay. In front of vowel letter, we use. एन ए एन एन वी विल सर्कल एन ओके सो जो भी लेटर जो भी वर्ड में ए ई, आई ओ यू से स्टार्टिंग होगी उन वर्ड्स के पहले हम एन का यूज करेंगे नाउ सीधा अनदर सेक्शन इट इज ऑफ मैथ सर्कल द स्मॉलर पिक्चर स्मॉलर पिक्चर को हमें सर्कल करना है स्मॉलर पिक्चर जो छोटी पिक्चर है स्मॉलर मीन छोटी है okay, दो पिक्चर है, है दूसरी छोटी है हमें क्या करना है हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सी छोटी है और फिर हमें उसे सर्कल करना है वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्मॉलर एंडल द स्मॉलर पिक्चर एज यू Can see first is teapot in the second column the small teapot. So we will circle the small teapot in the second column. You can uh, in the second row you can see thermos. It is thermal bottle. It is a bottle. You can see the first column small bottle. Okay, small bottle. comes ka the first column? Mein. So we will circle the first bottle. Understood. वट वी विल डूल सर्कल द स्मोलर पिक्चर जो पिक्चर छोटी होगी okay? बड़ी पिक्चर को हमें सर्कल करना है फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्विल्ट क्विट मीन्स रजाई ओके okay? ओके वी हैव टू चेक विच इज बिगर सेम यहाँ पे भी है यहाँ पे टू पिक्चर्स हैं सेम पिक्चर्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज बिगर एंड देन वी विल सर्कल द बिगर पिक्चर हमें पहले पता करना है कौन सा बिगर है और फिर हम बिगर पिक्चर को सर्कल करेंगे यू कैन सी इन द फर्स्ट रो द फर्स्ट कॉलम पिक्चर इज बिगर फर्स्ट क्वल्टी इज बिगर इन द सेकेंड सेकेंड अम्ब्रेला इज बिगर ओके okay? जो सेकेंड वाला अम्ब्रेला है सेकेंड लाइन में वो बड़ा है अंडरस्टूड सो वॉट वी विल डू इन दिस सर्कल द बिगर पिक्चर बड़े पिक्चर को जो बड़ा है बड़े पिक्चर को हम सर्कल करेंगे नाउ सी E सेक्शन ईवीएस

आर फॉर आवर पर्सनैलिटी इट डेवलप्स आवर पर्सनैलिटी ओके हमारी जो पर्सनालिटी है उसको वो डेवलप करता है हमारा जो गुड मैनर्स है ये हमारी पर्सनालिटी को और भी डेवलप करता है और भी इन्हांस करता है और ये हमें एक बहुत ही ग्रेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और दूसरी तरफ जो बैड मैनर्स हैं अगर हम बैड मैनर्स को अपना अपनाते हैं इफ़ वी स्टार्ट हैविंग बैड मैनर्स देन वॉट इट वॉट विल हैपन क्या होगा हम गंदे हो जाएंगे हम किसी की बात नहीं सुनेंगे हमें किसी से कोई मतलब नहीं होगा हम किसी की बातों का कुछ भी मतलब उस पर ध्यान नहीं देंगे हम अपने से बड़ों का कहना मानेंगे नहीं तो क्या होगा ये बैड मैनर्स हैं इससे जो हमारी पर्सनालिटी है वो अफेक्ट होगी ओके okay, इससे हमारी पर्सनालिटी अफेक्ट होगी और सामने जो भी हम जो भी लोग हमें देखते हैं जो हमें रोज देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स हमारे फैमिली मेम्बर्स ओके वो क्या बोलेंगे दैट दिस गाय इज़ नॉट गुड ये अच्छा बच्चा नहीं है ये जो है ये अच्छा नहीं है वाई बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी इसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं है बिकॉज ही डोंट ही और शी डोंट हैव गुड मैनर्स ही इज़ अ बैड बॉय और बैड गर्ल ओके okay. ये बैड बॉय है या फिर बैड गर्ल है इसकी जो बिहेवियर uh, है वो अच्छी नहीं है क्यों क्यों क्योंकि वो बैड मैनर्स करता है ओके okay. सो so, ये है गुड मैनर्स और बैड मैनर्स में डिफरेंस और अगर हम गुड मैनर्स करते हैं तो क्या होगा जो? जो सामने हम लोग को देख रहा है जैसे हमारे हमारे पेरेंट्स हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं वो क्या कहेंगे शी इज अ वेरी गुड गर्ल ही इज अ वेरी गुड बॉय शी फॉलोज एवरी ओके वो सब कुछ फॉलो करता है वो uh, करती है और सबकी बात मानते हैं ऐसे सब आपको अप्रिशिएट करेंगे सब आपको गुड बोलेंगे सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस ये आपका बहुत बड़ा डिफरेंस है गुड मैनर्स और बैड मैनर्स में फिर uh, इतने के बाद भी एक क्वेश्चन आता है अ क्वेश्चन आ दैट वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है गुड मैनर्स या बैड मैनर्स विच मैनर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस गुड और बैड गुड मैनर्स यस ऑफकोर्स गुड मैनर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर एस बिकॉज दट एनहसेज आवर पर्सनैलिटी हमारे पर्सनैलिटी को और भी एनहेंस कर देती है और भी और भी अच्छा बना देती है तो एवरी वन विल स्टार्ट लाइकिंग एस हम सब लोग क्या करेंगे हमें पसंद करने लगेंगे ओके okay, हमारे हम अगर स्कूल जाते हैं तो हम वहाँ टीचर के साथ अच्छे से बिहेवियर करते हैं उनसे हम अच्छे से बात करते हैं तो टीचर क्या कहेगा? टीचर कहेगा ही और शी इज अ गुड बॉय और गुड गर्ल टीचर जब हमें देखेंगे तो यही कहेगा ना कि हाँ हम अच्छे बच्चे हैं वे आर गुड चाइल्ड बट अगर हम उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे उनकी कहना नहीं मानेंगे तो क्या बोलेंगे वो कि आप अच्छे नहीं हो दैट वी आर नॉट गुड ओके सो दिस इज़ गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स सो हमारे लाइफ में बहुत सारे गुड मैनर्स हैं अच्छी बहुत सारी अच्छी मैनर्स है जिसे हम फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी को और भी डेवलप और भी एनहेंस कर सकते हैं और बहुत सारे बैड मैनर्स भी हैं बहुत सारे बैड मैनर्स भी हैं जिसको हम एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड बन सकते हैं गंदे हो सकते हैं उससे क्या होगा हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत डल हो जाएगी okay now you have to choose in between these two manners what you have to pick? good manners or bad manners good manners okay now we have to write three good manners how many good manners write okay we have to write three good manners, okay. we, have three good manners. Yes, uh, we have so many good manners but we have to write only three वन इज डन फॉर यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे दिन में दो बार ब्रश कर ब्रश करना चाहिए एक बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के पहले और रात में खाना खाने के बाद ओके okay? इससे क्या होगा हमारे जो टीथ हैं वो क्लीन रहेंगे हमेशा अच्छे से हमारे टीथ है हमेशा वो क्लीन रहेंगे और इसमें जर्म्स नहीं होंगे इसमें कभी कैविटीज नहीं लगेंगी ओके okay? so we should take care of our teeth, teeth okay. we should brush twice a day. brush teeth brush twice a day okay. now what is what can be the another good manner. और kya dusre good manners hote hain ये आपको अपने से write करने. हैं. you have to tell, you have to ask yourself. आप अपने आप से पूछो कि और भी क्या good manners हैं. क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आप करते हैं गुड मैनर्स लिखिएगा जो आपके अंदर है। आप कौन कौन से गुड मैनर्स हैं आपके अंदर आप कौन कौन से गुड मैनर्स करते हैं ओके okay. लाइक like आप अपने एल्डर्स की हेल्प करते हैं उनका रेस्पेक्ट करते हैं और उनके कहना मानते हैं आप अपने भाई बहन की हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं ओके okay? इस तरीके से आप जो भी गुड मैनर्स करते हैं आप वो यहाँ पे राइट right करेंगे टू बैड मैनर्स अब दो बैड मैनर्स राइट करने हैं बैड मैनर्स एक मैंने राइट right किया है नॉट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स मीन्स एल्डर्स मीन्स अपने से बड़ों को हमसे जो भी बड़ा है उसे हम एल्डर कहते हैं तो अगर जब हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हम उनका सम्मान नहीं करते देन दैट इज अ बैड मैनर जैसे कि किसी ने हमसे uh, कहा हमारे दादाजी हैं दादी हैं मम्मी है पापा हैं उन्होंने हमसे कुछ कहा सपोज उन्होंने कहा जस्ट कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर क्या आप मेरे लिए प्लीज एक ग्लास पानी ला सकते हो और आपने क्या कहा नो आई विल नॉट ड्रिंक मैं नहीं लाऊंगा मैं नहीं लाऊंगी ठीक तो कैसा लग गया उनको बैड फील होगा ना ही और शी विल फील बैड एंड इट इज नॉट अ गुड मैनर ऑल्सो ये बैड मैनर्स हैं ओके okay, अपने से एल्डर्स की हेल्प करनी चाहिए उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो जो बोलते हैं उसे सुनना चाहिए ओके दिस इज वन बैड मैनर नॉट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना एक बैड मैनर है अब आपको एक बैड मैनर खुद से लिखनी है जो आपके अंदर है कोई तो बैड मैनर्स होगी लाइक टेलिंग लाए अपने से बड़ों से झूठ बोलना झूठ बोलना भी तो बैड मैनर्स है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए ना हमेशा सच बोलना चाहिए बिकॉज एक झूठ छिपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे इससे अच्छा है हम एक सच बोल के सारी का मैटर uh, को क्लोज कर दें एक ही बार में ओके okay? लाइक like, एक वास रखा है टेबल पे जस्ट इमेजिन uh, वास इज ऑन अ टेबल एक टेबल है वहाँ पे वास रखा है बहुत सुंदर वास है और आप uh, प्ले कर रहे थे या प्लेइंग एंड बाय मिस्टेक ओनली जस्ट बाय मिस्टेक यू हिट विद टेबल आप उस टेबल से लड़ गए और क्या हुआ द वास फेल डाउन जो वास था वो गिर गया टूट गया दैट वाज मेड अप ऑफ ग्लास एंड दैट ब्रोक एंड यू सेड एंड आफ्टर सम टाइम्स देर वॉज नो वन वहाँ पे कोई था नहीं तो किसी ने आपको देखा नहीं एंड आफ्टर सम टाइम्स वेन यू मदर केम देर जब आपकी मम्मा वहाँ आई एंड शी सो दैट दैट एंड देन आफ्टर दैट देन शी आज कि ये किसने किया जब वो पूछती हैं उसको देख के कि ये किसने किया एंड देन यू सिंपली से नो आई हैव नॉट डन आपने क्या कह दिया नहीं मैंने तो नहीं किया मैंने नहीं किया मैं तो वहाँ था ही थी आपने ऐसे कह दिया सो दिस इज अ बैड मैनर आपने झूठ बोला ओके एंड इफ बाय एनी रीजन कभी बाद में आगे चल के एक दिन बाद दो दिन बाद किसी ने देखा होगा या किसी ने बाद में बता दिया कि नहीं मैंने देखा था आपसे गिरा था आप खेल रहे थे इफ समवन टोल्ड योर मदर दैट अबाउट यू दैट यू हैव ब्रोक दैट वॉज दैट वॉट योर मदर विल थिंक दैट माई चाइल्ड इज नॉट गुड ही और शी ऑलवेज टेल्स लाइक वो हमेशा झूठ बोलता है वो अच्छा नहीं है फिर आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो जाएंगी ओके दैट विल नॉट बी गुड तो इससे अच्छा है आप बता दो हाँ आप एक्सेप्ट कर लो दैट यू हैव डन दैट ओके वेन यू विल स्पीक ट्रूथ देन यू मदर विल वल्सो बी हैप्पी आपकी मम्मा भी खुश होंगी कि एटलीस्ट यू हैव करेज टू स्पीक द ट्रूथ क्या आपके अंदर हिम्मत है सच बोलने की अंडरस्टूड सो दीज मैनर्स डिपेंड्स ऑन योर दीज मैनर्स डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी आपके पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है और ये आपने आपकी पर्सनालिटी को एनहैंस करता है और जब आप सच बोलोगे तो क्या होगा एवरी वन विल ट्रस्ट यू जब आप सच बोलोगे तो सब आपके ऊपर भरोसा करेंगे सब आप पे विश्वास रखेंगे ओके सो दीज वर गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स नाउ यू विल राइट द लेफ्ट टू गुड मैनर्स एंड वन बैड मैनर ओके जो गुड मैनर्स और बैड मैनर्स है वो अब आप खुद लिखेंगे नाउ यू विल राइट अबाउट कि कौन से गुड मैनर्स हैं आपके अंदर कौन से बैड मैनर्स हैं आपके अंदर ओके सो दिस वॉज फॉर क्लास यूकेजी थैंक यू